Hey guys, welcome back to the channel again. I hope आप सभी अच्छे होंगे और क्रिकेट खेल रहे होंगे. आज हम करने वाले हैं ओपन नेट्स प्रैक्टिस और आज शायद से थोड़े से चैलेंजेस अलग होने वाले हैं और उसके बाद फील्डिंग ड्रिल्स भी करने वाले हैं, तो वो भी आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा. आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए. ब्लॉग पसंद आए तो आपको पता ही है, लाइक कर देना. जो जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है. आज संडे का दिन है और आज होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मैच, और अगर अफगानिस्तान की टीम जीतती है तो इंडिया की टीम के चांसेस है क्वालिफाई करने के. ये मैं कोशिश करूंगा ब्लॉग मंडे को डालने का, क्योंकि आज मैं खेलने जा रहा हूं और आज के आज अगर एडिट हो जाता है तो कल मोस्ट प्रोबेबली मैं ये वाला ब्लॉग अपलोड कर दूंगा. अगर मैं अपलोड नहीं करता हूं ट्यूजडे को ये वाला ब्लॉग अपलोड करता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन से भर देना गगन सर आप लेट हो, ठीक है, ये कमेंट कर देना. मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको आज का ब्लॉग शूट करके कल के ही दिन दे दूं. और कल हमारा मतलब जब आपके पास ये ब्लॉग जाएगा उसी दिन इंडिया वर्सेस नामीबिया का मैच भी होने वाला है. ये भी बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आज का मैच कौन जीतने वाला है. यार मैंने किट भी पैक नहीं करी है, ड्रेस भी चेंज कर दी है, टी शर्ट तो मैं यही पहनने वाला हूँ. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस आपका भाई ने देखो चेंज कर लिया है, ऊपर वही टी शर्ट है और सेम नीचे शॉर्ट्स है ये पूमा की, और नीचे मैंने कंप्रेशन टाइट्स पहन रखी है. आप नीचे कमेंट्स में बताना आपका भाई कैसे लग रहा है, ये आपके भाई के ट्रेनिंग गेयर्स हैं. और रही बात वहीं पे क्रिकेट की, ये देखिए मैंने फुल स्लीव्स की निकाल ली क्योंकि बाहर ठंड होने वाली है आज के दिन. तो 27 गगन 27, आप में से काफी सारे लोग पूछते हो तो मैं बता देता हूँ 27th मेरी बर्थ डेट है और 27th अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है, तो इसीलिए मैंने 27 बचपन से ही मैंने जो भी सारी जर्सीज बनवाई है वो 27 नंबर से ही बनवाई है, ठीक है. और इसके पीछे मैं आपको आज दिखा देता हूँ, यार ये देखो इसके पीछे मेरे किट बैग्स हैं यहाँ पे, ये भी थोड़े बहुत डफल बैग्स, और नीचे मेरे बैट्स नजर आएंगे आपको. तो इसका अगर आपको टूर चाहिए तो मैं एक अलग से नहीं, या फिर नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से बता दूंगा. अभी मैं लेट हो रहा हूँ इसीलिए मैं आपको अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा ज्यादा, तो इसलिए सीधा हम ये किट बैग निकालते हैं और उसे पैक करते हैं और जल्दी से निकल लेते हैं. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये बीच में भाई रोड के बीच में पेड़ बचा हुआ है, तो यार ये काफी अच्छा एक संदेश है हम सबके लिए, पेड़ जितना हो सके उगाएं और जो ऑलरेडी उगे हुए हैं उन्हें प्लीज काटे ना. और अभी रेड लाइट हो रही है, आपको वहां पे देखने को मिल रही होगी, तो रेड लाइट पे वेट कर रहे हैं. रेड लाइट भी यार संडे के दिन अगर फर्स्ट लॉट का मैच हम खेलने जाते तो खाली मिलता है, पूरा रोड खाली रहता है, बट अभी फर्स्ट लॉट मैच के बाद हम ओपन नेट्स करेंगे तो थोड़ा सा भरा मिल सकता है, इसीलिए आपको जाम वाम देखने को मिल रहा है. ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर भी ये रेड लाइट का है, तो अब जैसे ही ग्रीन लाइट हो जाएगी हम अपने निकलते हैं. तो यार हम फाइनली ग्राउंड में आ चुके हैं और अभी मेरे पास सचिन का फोन आया था, वो यार खाने का आने के लिए निकल चुके हैं. मतलब प्रैक्टिस हुई नहीं है शुरू पर खाना पहले खाना है भाई को, घर से कुछ खा के नहीं आया था तो इसलिए अभी वो खाना लेने गए हैं. तो यहाँ पे देखो तीनों ग्राउंड खाली हो चुके हैं फिलहाल, अभी तक वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे पर अब मुझे उनका इंतज़ार करना पड़ेगा. वो आ रहे हैं 5-10 मिनट में आ रहे हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस अपनी शुरू करेंगे. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यार देख हम पहले रुके वहाँ तेल डलवाया हमने. अच्छा तो तेल डलवाने में कितना टाइम लगता है कमेंट करो. वो आगे चार गाड़ी खड़ी थी लाइन में, ठीक है, आगे टम्पू था, उसके बाद दो ऑडी थी और एक मर्सिडीज थी, पीछे हमारा हवाई जहाज था, पीछे टेस्टर खड़ा था. टू व्हीलर की लाइन अलग से होती है, झूठ बोल रहा है बंदा. को आज की पिच में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आज और कल दोनों दिन मैच हुए हैं, देख सकते हो बढ़िया लग रही है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिस के लिए. बाकी दोनों ग्राउंड्स में मेंटेनेंस का काम होने वाला था तो इसीलिए आज हमें ओपन नेट्स की वाली पिच मिली है. तो क्रिकेटर्स हम सब ने चारों ने मिलकर डिसाइड किया है कि आज भी हम 5 ओवर की बैटिंग करने वाले हैं और 5 ओवर में हम एक नया रूल ऐड कर रहे हैं जिसमें कि अगर आप आउट होते हो तो आपके -10 रन रखें,
तो माइनस 5 रन करने वाले हर एक आउट होने पे, तो देखते हैं 5 ओवर में हम कितना स्कोर कर पाते हैं। सबसे पहले मैं पैड कर रहा हूँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे इनमें से कौन सा पैड करने वाले, क्योंकि मैं तो भाई टारगेट पहले आपको सेट करके दूंगा। तो भाई बताओ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मोनू जीतेगा। मोनू जीतेगा और भाई आज ये कह रहा है जीतने नहीं देगा। और जो भी लोग पिछले कमेंट सेक्शन में कह रहे थे यार फुल टॉस पे मार रहा है और ऐसे कर रहा है, यार वो फुल टॉस कुछ मैंने बनाई भी थी स्टेप आउट करके, मैंने फुल टॉस बनाई भी थी। मैचेस में भी तो फुल टॉस आती है, उसमें भी तो मारना पड़ता, मार रहा था ना, ये मैटर करता। तो चलो कोई नहीं भाई, सौर्य बता भाई कौन जीतेगा भाई आज? पोलार्ड के जीतने का चांसेस है क्योंकि पोलार्ड कम पोलार्ड ही है हमारे टीम के। एक ओवर में मारे थे 3 छक्के। अब मैं पैड करता हूं और देखते हैं 5 ओवर में कितना टारगेट इन सबको देता हूं। क्रिकेटर्स 2 ओवर 8 रन, देखते हैं यार 3 ओवर में कितना कर पाता हूँ। पिच थोड़ी सी अब अनइवन हो रही है, पता नहीं। रन बहुत ही महंगा ओवर ये वाला। अब देखते हैं लास्ट ओवर में जितने ज्यादा हो सके उतने रन बनाने की कोशिश करेंगे हम। खत्म हो चुके हैं और मैंने 51 रन कुछ बनाए हैं। और यार पिछली बार से कुछ एक या दो, पिछली बार कितने बनाए थे मैंने? 51 रन बने। एक बार मैं आउट हो गया था स्टंप आउट बिल्कुल सेकंड लास्ट बॉल पे, तो 5 रन माइनस भी हुए हैं। वैसे तो मेरे 56 बन चुके थे, माइनस 5 करने पड़े। 51 रन बने 5 ओवर में। और भाई यश की एक बार बॉलिंग के बारे में कुछ दो शब्द चला जा। चौका निकल जाएगा। रनिंग नहीं है आगे। कह रहा था क्या?
गया तेरा टो पता बाहर लाइन पे घुमा दिया बस देख रहे हो गाइस पावर देख रहे हो। तो क्रिकेटर्स फाइनली हमारा ओपन नेट सेशन खत्म हो चुका है और हमने टोटल 20 ओवर ही खेल लिया सबने 5-5 ओवर खेले हैं। तो यार यश भाई कितने रन बने ये तो बता दे अपने भाई 34 रन बने। लास्ट मोमेंट में मेरे से बैट छीन लिया गया भाई वो भाई ये देखो बैट का क्या हाल हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसकी चिप जा चुकी है अब देखते हैं इसकी कैसे टेपिंग वेपिंग करा के इसे भी ठीक कराएंगे। यार मेरा तो फेवरेट बैट है ये वाला इसको नहीं जाने देंगे करते हैं इसको ठीक करते हैं यार मोनू ने किया कोई नहीं मोनू ने किया चाहे किसी ने किया अब ठीक करेंगे कोई नहीं करते हैं थोड़ा बहुत फील्डिंग सेशन और उसके बाद एक वीडियो भी शूट करनी है वो भी मैं करता हूँ। तो गाइज आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। हमने पहले ओपन नेट्स करे उसमें थोड़ी बैटिंग की प्रैक्टिस हो गई और उसके बाद ये बाउंड्री की कैचिंग ड्रिल्स करी हमने। ये आप भी अपने एकेडमी में या फिर अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ही इफेक्टिव ड्रिल है जो जो फील्डर्स बाउंड्री पे खड़े होते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव ड्रिल होने वाली है तो आप जरूर से ये वाली प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना यार चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आपको जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में अपना ख्याल रखिए क्रिकेट खेलते रहिए जय हिंद नमस्कार। ओम सी माम बिंग बिंग बो तन तन सस्ते नसे तार चिमा।